जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आज यानी शनिवार को इस मसले पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, देवेंद्र फडणवीस, बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मीडिया से बात करेंगे और हमला बोलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? इसके साथ साथ गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पत्थरबाजी और आतंकवाद की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद और दहशतगर्दी और बंद के दौर में लाने का क्या समर्थन करती है? शाह ने पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय पर भी कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ साथ और कई मुद्दों पर एनसी और कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस अलग झंडे का समर्थन करती है? यह सत्ता के लिए अपवित्र गठबंधन है। उम्मीद है कि कांग्रेस इसका जवाब जरूर देगी। सत्ता का लालच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक गठबंधन के तौर पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कुछ सवाल किए हैं। एनसी की घोषणा है कि 370 को फिर से लाकर कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अशांति पैदा करेंगे। क्या एनसी के इशारे पर कांग्रेस को अलगाववाद को बढ़ावा देना है? क्या कांग्रेस पार्टी का इरादा बॉर्डर पर आतंक और इकोसिस्टम को विकसित करने का है? बीजेपी के हमले के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। अमित शाह की ओर से पूछे गए 10 सवाल पर तंज कसते हुए अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी और उसके नेता हमें बहुत पसंद नहीं करते हैं। अगर चुनाव की बात की जाए तो भाजपा का गुस्सा लाजमी भी है। बीते चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस चुनाव में भाजपा के साथ कोई भी दल खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अब इस आरोप प्रत्यारोप से भाजपा को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा।